नमस्कार, मैं मनमोहन तिवारी और आज हम जिला बहराइच के थाना सुजौली क्षेत्र में हैं, जहां आरएसएस की रैली निकाली गई है। जी हां, आरएसएस की रैली निकाली गई है। यहां क्षेत्र के जो कट्टर हिंदू युवा हैं वो मौजूद हैं और आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हिंदुत्व के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। जय श्री राम, अपने प्राणों का बलिदान दे सकते हैं। ऐसे युवा जो हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे साथ में त्रिपाठी जी हैं। केवल हिंदू जनमानस में सनातनी भाइयों को चेतना जगाने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हम ये निवेदन करेंगे अपने सनातनी भाइयों से कि अब ईसा नववर्ष को नववर्ष न मान करके हिंदू नववर्ष ही मनाएं और सनातनी में अन्य परिवारों को जोड़ने का प्रयास करें, इसी के माध्यम से जो हमसे विदग करके किसी और मजहब में किसी और धर्म में चले गए हैं। अभी इसी रैली में हम सबसे एक सवाल करेंगे, अयोध्या पूर्वा से विशेष समुदाय के लोगों द्वारा एक सनातन की बेटी का अपहरण किया गया है, अभी तक बेटी का खुलासा नहीं हुआ, कहाँ गई है, उस संबंध में सब क्या कहना चाहेंगे? बेटी का खुलासा नहीं होगा तो उससे हम लोगों को मैदान में आना पड़ेगा। जय रहेंगे हम अपने सनातन के साथ ही रहेंगे, वो खाली वहाँ के अभियुक्त पकड़ने से नहीं बचेंगे जब तक लगातार हम बने हुए हैं क्षेत्र में और आपको छोटी से लेकर बड़ी खबर दिखा रहे हैं। यदि आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।